तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत सरकार की स्माइल 75 योजना के बारे में। तो दोस्तों स्माइल 75 का मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह योजना स्माइल 75 पहल के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 यानी 75 नगर नियमों को चिन्हित किया है। यह पहल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है। पहल के एक भाग के रूप में चिन्हित नगर नियम भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को शामिल करेंगे। वे पुनर्वास परामर्श, शिक्षा, जागरूकता, चिकित्सा जैसी सुविधाओं के प्रावधान, कौशल विकास और अन्य सरकारी कल्याणकारी पहलों के साथ आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नगरों एवं नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने तथा पुनर्वास प्रक्रिया की रणनीति बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। साल 2025-26 तक इस योजना को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। स्थानीय शहरी निकाय, नागरिक समाज संगठन या गैर सरकारी संगठन भीख मांगने के कार्य को संगठित प्रयासों से संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BPBA एक्ट यानी बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट के अनुसार भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भीख मांगना एक आपराधिक कृत्य है। इस अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हैं और भिखारियों को पकड़ते हैं। बाद में उन पर विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भिखारियों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक परियोजना बनाई है, जो पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श और शिक्षा, सम्मानित नौकरी तथा स्वरोजगार अथवा उद्यमता के लिए कौशल विकास को कवर करती है। तो दोस्तों स्माइल 75 योजना में यही मुद्दे शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह पूरी वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्माइल 75 योजना क्या है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नई जानकारी प्राप्त हो सके। आपको जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद।